हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर तुम पास नहीं हुए तो, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, अगर उन लोगों ने तुम्हें पैसे वापस नहीं किए तो, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं आज हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को हम व्हाट इफ लगाकर बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर वो नहीं आया तो, ये हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि अगर वो नहीं आया तो। व्हाट इफ ही डजंट कम, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो। व्हाट इफ ही डजंट गिव यू मनी, अगर उन लोगों ने मैच नहीं जीता तो। व्हाट इफ दे डोंट विन द मैच। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसी तरह के एग्जाम्पल्स के द्वारा और भी बहुत सारे सेंटेंसेस को देखते हैं। व्हाट इफ शी रिफ्यूजेस यू, उसने तुम्हें ठुकरा दिया तो। व्हाट इफ ही डजंट गिव यू मनी, अगर उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो। व्हाट इफ यू डोंट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर तुमने इंग्लिश बोलना नहीं सीखा तो। What if they don't reach on time, अगर वे लोग समय पर नहीं पहुंचे तो। What if I don't come back, अगर मैं वापस नहीं आया तो। What if she doesn't marry you, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो। What if we don't win the match, अगर हम मैच नहीं जीते तो। What if the electricity go off, अगर बिजली चली गई तो। व्हाट इफ ही डजंट पास, अगर वह पास नहीं किया तो। व्हाट इफ यू डोंट रिटर्न माय मनी, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो। व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग, अगर बारिश होने लगी तो। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इतने सारे एग्जांपल्स के द्वारा अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि व्हाट इफ का इस्तेमाल कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा स्ट्रक्चर है हाउ और व्हाट अबाउट। ओके फ्रेंड्स, इसमें इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं, हमें पिकनिक पर जाना कैसा रहेगा, मतलब हम आपस में बात करते हैं कि यार अब क्या करें, क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं कि कबड्डी खेलना कैसा रहेगा, अंताक्षरी खेलना कैसा रहेगा, इस तरह की हम बात करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते कैसे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते वक्त हम व्हाट या हाउ का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अबाउट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सिनेमा चलना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट गोइंग टू द पिक्चर, या हाउ अबाउट गोइंग टू द पिक्चर। व्हाट अबाउट एंजॉयिंग अ पिकनिक, पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ अबाउट एंजॉयिंग अ पिकनिक। व्हाट अबाउट डांसिंग फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए डांस करना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ाना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट सिंगिंग सॉन्ग, गीत गाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट राइडिंग हॉर्स, घोड़े की सवारी करना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट गोइंग टू सी शोर, समुद्र के किनारे जाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा। तो देखा दोस्तों आपने, ये दो तरह के स्ट्रक्चर थे जो बहुत ही काम की चीज़ें हैं, इनको समझना और इनका इस्तेमाल करना काफ़ी इस्तेमाल होता है इस तरह के सेंटेंसेस का। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स कि इसका इंग्लिश हम कैसे बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कॉमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और वीडियो को ऐसे लोगों तक ज़रूर शेयर किया कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए,
हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।